सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक धीरेंद्र कुमार गुर्जर, अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना प्रदेश सचिव एवं प्रधानपति, ग्राम जोखाबाद सिकंदराबाद बुलंदशहर। अपील, कोरोना काल में घर पर सुरक्षित रहें। सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गजराज सिंह, पूर्व विधायक कांग्रेस हापुड़। अपील, कोरोना काल में घर पर सुरक्षित रहें। पहाड़ों में होने वाली बारिश के बाद बुलंदशहर में गंगा के जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। बुलंदशहर डीएम ने आज खुद गंगा घाटों पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने न सिर्फ व्यवस्थाओं को चेक किया बल्कि संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि बुलंदशहर में भी गंगा खतरे के निशान से थोड़े ही नीचे बह रही है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में गंगा नदी में हरिद्वार से वर्षा का अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद गंगा में बाढ़ आ जाती है, जिससे बाढ़ गंगा किनारे कृषि भूमि का कटान कर बहाकर ले जाती है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए स्याना, अनूपशहर और डिबाई तहसील में 3 बाढ़ चौकी बनाकर कर्मचारियों की शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई है। अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि बाढ़ से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, बाढ़ से प्रत्येक बाढ़ जो क्षति होती है उसको रोकने के व्यू से पिछले 3 महीने से कुछ न कुछ काम चल रहा है और उसका बीच बीच में हम लोग निरीक्षण करने आते रहते हैं। पूर्व में भी आए थे, आज भी राजघाट है जहाँ की लास्ट ईयर भी कटान हुई थी, तो उसी का मुआयना करने आए थे। इस बार चूँकि काम अच्छा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि इस घाट पे जहाँ कटान हुई थी उसके दोनों तरफ टोटल लगभग 850 मीटर लंबाई में जो रेत की बैग है और अन्य जो कटान रोधी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, और धारा को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे हम लोगों ने स्टड बनाया है 12-12 मीटर लंबाई की। 150 मीटर तक लगभग 12 स्टड बने हैं, उससे धारा थोड़ा डाइवर्ट हुई है और यही कारण है कि यहाँ तक धारा की जो रफ्तार है, जो लास्ट ईयर जितनी रफ्तार थी वो इस बार नहीं हुई है और यहाँ इस बार कटान नहीं हो रहा है। अभी ऑलमोस्ट हम लोग डेंजर लेवल से थोड़ा ही नीचे हैं, लगभग 35 सेंटीमीटर नीचे हैं। अब जो देखा गया है ट्रेंड, वो घटती हुई ट्रेंड है, बट अगर पानी भी बढ़ती भी है तो यहाँ के लोकल लोगों से बात किया गया है, जैसे यहाँ के लोकल प्रधान हैं वो संतुष्ट हैं, उनका कहना है कि इस बार नहीं कटेगी। खामियाँ वगैरह देखिए, शुरू में आज से 2 महीना पहले जब हमने यहाँ निरीक्षण किया था तो संतोषजनक नहीं थी और हमने थोड़ी बहुत अनुशासनिक कार्रवाई भी की थी, अब संतुष्ट हो गया है। और हमारा मेन ध्येय ये होना चाहिए कि कटान ना हो और जन धन हानि ना हो। बाढ़ चौकी के साथ ही 58 नाव और 11 स्टीमर के साथ 20 गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। प्रशासन की कोशिश रहेगी कि बाढ़ का पानी किसी भी तरह गांव में पहुंचने से रोका जा सके। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।